हे गाइस, तो आज बात करेंगे पबजी अनबैन की न्यूज़ के बारे में। तो ऐसा सुनने में आ रहा है और न्यूज़ भी काफ़ी सारी आ रही है कि पबजी अनबैन होने वाला है इंडिया में। तो साउथ कोरिया का जो गेमिंग कॉर्पोरेशन है, तो लोगों ने ऐसा न्यूज़ बताया कि पबजी मोबाइल जो है वो पूरा साउथ कोरिया का खुद का ब्रांड का लोगों का गेम है। और ऐसे न्यूज़ भी आ रहे थे कि 7 दिन में या ऐसे कुछ दिनों में पबजी अनबैन भी होने वाला, ऐसा न्यूज़ आ रहा था। तो मैं आपको उसके रिलेटेड थोड़ा न्यूज़ बताने वाला और मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा, तो आप लोग जाके वहाँ पर डायरेक्ट पढ़ सकते हो। तो इसमें ऐसा लिखा है, जो साउथ कोरियन गेमिंग कॉर्पोरेशन है वो अपने स्टेटमेंट के साथ में आई है। तो उन्होंने एक्सेप्ट भी किया जो हमारे गवर्नमेंट ने पबजी बैन किया था, तो पर्सनल डेटा जो हमारे होते वो उन लोग के पास होते तो वो सेफ नहीं होते थे, इसीलिए हमारी गवर्नमेंट ने पबजी बैन किया है। उसके बाद उन लोग ने पूरा बोला भी है कि हम लोग पूरा ध्यान रखेंगे, सबका डेटा जो होते वो हम लोग एकदम ही सेफ रखेंगे। साउथ कोरियन जो गेमिंग कॉर्पोरेशन कंपनी है, उन लोगों ने खुद ने बोला है कि हम लोग पूरा सेफ रखेगा। और टेंसेंट कंपनी जो आप लोगों को बोला था कि 100 चाइनीज ऐप जो बैन हुए चाइना के, तो उसमें टेंसेंट कंपनी को कितना लॉस हुआ आप लोग देख सकते हो। मतलब टेंसेंट इन और भी जो ऐप्स अदर ऐप्स बैन हुए तो उसमें कितना लॉस हुआ, $34 बिलियन। और इंडिया तो सबसे बड़ा मार्केट था पबजी का, जब 10% ही 3-4 करोड़ के भी ऊपर से ऊपर कमा के दे सकता है, तो आप लोग समझ सकते हो कि 25% हमारी गेम जो इंस्टॉल किए थे हम लोग के इंडिया में तो कितना कमा के दे रहे थे। अगर पूरा न्यूज़ किसको भी पूरा पढ़ना रहेगा तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, आप लोग वहाँ पे इजीली जाके पढ़ सकते हो। तो अभी चलते दूसरे टॉपिक की तरह, वो अभी बात करेंगे आमिर सिद्दीकी के बारे में। तो आमिर सिद्दीकी का उनका इंस्टाग्राम पर 700K कंप्लीट हो चुका है, तो कॉन्ग्रेचुलेशन फ्रॉम माई साइड। तो अभी चलते दूसरे टॉपिक की तरह, अभी बात करेंगे फनचो जो यूट्यूब चैनल है, तो उनका इंस्टाग्राम पर 200K कंप्लीट हो चुका है। और उनके जो नया चैनल खोला था उन लोगों ने, श्याम एंड ध्रुव करके दोनों जन ने, तो उनका भी न्यू यूट्यूब चैनल पर 1 ही मंथ हुआ है, तो उस पर भी 100K कंप्लीट हो चुका है। तो यार कॉन्ग्रेचुलेशन फ्रॉम माई साइड। तो अभी चलते दूसरे टॉपिक की तरफ, अभी बात करेंगे RVCJ मीडिया के बारे में। तो उन लोगों का यूट्यूब चैनल पर 2 मिलियन कंप्लीट हो चुका है, तो कॉन्ग्रेचुलेशन फ्रॉम माई साइड। तो अभी चलते दूसरे टॉपिक की तरफ, अभी बात करेंगे एलवी शादो के बारे में। तो आपको मैंने कुछ वीडियो पहले ही बोला था कि एलवी शादो अपने वीडियो में रिया चक्रवर्ती को होस्ट करने वाले, तो उसके लिए मैं अपडेट आया, मैं बताता हूँ आपको। कल कर दे फिर रिया चक्रवर्ती स्वा, तो आप लोग एलवी शादो का स्टोरी देख के समझ ही गए, तो या फिर आज वीडियो आ भी जाएगी या फिर वीडियो को अभी होस्ट करने वाले उनको लेके। तो अभी चलते दूसरे टॉपिक की तरफ, अभी बात करेंगे संदीप महेश्वरी के बारे में। तो संदीप महेश्वरी को आपको पता है कि उनको डायमंड प्ले बटन मिला है कुछ ही दिन पहले, तो उन्होंने अपने YouTube चैनल का प्रोफाइल बदला है। तो उसमें क्या लिखा है मैं दिखाता हूँ आपको, द वर्ल्ड लार्जेस्ट नॉन प्रॉफिट चैनल। तो संदीप महेश्वरी सर ऐसा बता रहे कि उनके चैनल पर ऐड भी नहीं आता, तो उसके YouTube चैनल से उनको कुछ भी अर्निंग नहीं होता, कुछ प्रॉफिट नहीं होता उनको। जैसे अदर YouTube चैनल को कंपेयर करें तो उनके चैनल पर कैसे ऐड आता तो इनके चैनल पर नहीं आता, वो ऐसी बता रहे। तो अभी चलते दूसरे टॉपिक की तरफ, अभी बात करेंगे टोटल गेमिंग के बारे में। तो टोटल गेमिंग ने अपने YouTube चैनल पर 12 मिलियन कंप्लीट कर चुका है, तो कॉन्ग्रेचुलेशन फ्रॉम माई साइड। तो अभी चलते दूसरे टॉपिक की तरफ, अभी बात करेंगे फौजी गेम के बारे में। तो फौजी गेम को लेकर काफ़ी सारे रूमर्स फैल रहे थे, तो ऐसा बता रहे थे कि ये गेम कॉपी, ये कॉपी है, तो उसको लेके बाद में क्लियरिफिकेशन किया एनकोर गेम ने। तो जिसको भी पढ़ना रहेगा तो पूरा वीडियो पॉज करके पढ़ सकता, तो मैं बताता हूँ इसमें क्या लिखा है। काफ़ी लोग ये बोल रहे थे कि ये सुशांत सिंह राजपूत का कॉपी गेम है, तो इसमें ऐसा उन्होंने क्लियरिफिकेशन किया है कि इन्होंने इसका लाइसेंस लिया है शटरस्टॉक से, तो इन लोग इसका ऑफिशियल पोस्टर रिलीज़ कर सकते। और उन लोग ने ये भी बोला है कि अगर इसके रिगार्डिंग काफ़ी सारे फेक न्यूज़ आ रहे थे, अगर हम लोग को आएगा तो हम लोग उसके रिगार्डिंग स्ट्रिक्ट एक्शन ले सकते, क्योंकि उन्होंने इसका लाइसेंस लिया ऑफिशियली पोस्टर रिलीज़ करने का, और इसका और एक पोस्टर अभी जल्दी रिलीज़ होने वाला है। तो यार आज के टॉपिक में इतने, ऐसे ही मिलते हैं इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ में नेक्स्ट वीडियो में। लाइक कर देना, शेयर करना, सब्सक्राइब भी करना।